प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़ा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा फीता काटकर एवं शिशुओं को पोलियो का ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी क्रम में बसंतपुर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीज आकर अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जितनी भी बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार जो भी सुविधा दे रही है उस सुविधा का लोग लाभ लें और रोगों से मुक्ति पाएं। इस अवसर पर अशोक गुप्ता, शिवम पांडे, अनुपम पांडे, गौरव तिवारी, सूर्य प्रकाश शर्मा, आनंद अग्रहरी, अजय मणि त्रिपाठी, अस्तभुजा श्रीवास्तव, रूपेश गुप्ता, चंद्रपाल सिंह, छोटे लाल पासवान, राम नारायण, अजय जायसवाल, विशाल गुप्ता सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसंतपुर नगरी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देखो मीठा है, देखो मीठा है, देखो कैसा लगेगा। हाँ हाँ, दो बेकार कर दो। हाँ कोई बात, मैं लिया आगे कर दे रहा हूँ। हल्का सा बड़ा बड़े बड़े जगह पर हर जगह आएगा, यहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ भी बहुत उपयोगी है, लोग दिन भर घूमते हैं इधर उधर, 3 मिनट के अंदर 65,000 की जाँच। बहुत अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी ने की है, प्रयास है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उसको ले जाए। वहाँ चरगांव से उन्होंने प्रारंभ किया, पिछली बार आए थे तो जल्द देखिए हम मैं डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज हमारे वहाँ पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय क्षेत्रीय धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने आते वक्त यहाँ पे कई सारे बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाया। इसके साथ साथ हमारे पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देखा उन्होंने, जिसकी काफ़ी सराहना भी की, तो हमें अच्छा लगा। इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी कहा है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा हम लोग दे सकते हैं वो भी दें, और साथ साथ ये भी बोला है कि यहाँ पे इस समय हेल्थ एटीएम के लिए वो इस अस्पताल को चुनेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेस मिल सके। हमारी सारी टीम अभी इस समय एरिया में कार्य कर रही है और यहाँ पर योगी जी के आरोग्य मेले के अकॉर्डिंग आज यहाँ पर लोगों का परीक्षण चल रहा है। देखिए, हमारे तरफ से पूरी कोशिश है, हमने आशाओं को 1-2 दिन पहले से ही अपने एरिया में बोल दिया है सर्वे करने के लिए। तो ऐसा इस बार ऐसा बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि पोलियो पिलाने से उनको दूसरी बीमारी हो सकती है ओपीवी से, वैक्सीन से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम घर घर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ओपीवी वैक्सीन देगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर पूज्य महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है, और आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। उसी क्रम में गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ जो चिकित्सा शिविर आयोजित है वहाँ हम सब लोग आए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो मरीज हैं वो आकर के अपनी जांच निःशुल्क करा रहे हैं,
और ऐसे गोरखपुर महानगर में लगभग 27 स्थानों पर गोरखपुर महानगर में इस प्रकार के चिकित्सा शिविर का आयोजन आज किया गया है। सभी जगहों पर कहीं कोई न कोई जनप्रतिनिधि, कोई न कोई पार्टी का कार्यकर्ता जा करके सरकार और संगठन मिलकर के किस प्रकार से आम जनता की सेवा हो सके, आम जनता को सुविधाएं मिल सके, सरकार की जो मंशा है वो नीचे तक उतर सके, इसके लिए इस प्रकार के आयोजन किए गए हैं। बच्चों को पोलियो पिलाने में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा है कि इस प्रकार के जो भी, चाहे पोलियो लगभग समाप्त ही हो गया है, इस प्रकार की जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सभी प्रकार की सुविधाएं अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर दे रही है। लोग आकर के उन सुविधाओं का लाभ लें और जड़ से इस प्रकार के रोगों से मुक्ति पाएं।